से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। से ये ट्रेन आ गई पीछे, यहाँ से लौटना। वह के 4:30 हो गए और हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। हम कहाँ जा रहे थे? दुबई। दिस इज माय फुल आउटफिट। दुबई। तो बहुत लेट हो जाएगा तो हम निकलते हैं। ऑलरेडी मैं बहुत लेट करवा चुकी हूँ अपना वीडियो वीडियो शूट करने में। तो मिलेंगे आपको एयरपोर्ट पे। तो हमने जो होटल बुक करी थी उसका नाम था ज्योति ड्वेलिंग, जो कि एयरपोर्ट से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर थी। इस होटल की सर्विस काफ़ी अच्छी थी और रेटिंग 3 स्टार के बराबर इसकी रेटिंग थी। तो हमने यहाँ से कैब बुक करी थी और हार्डली सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं रहता तो 20 से 25 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे। और रूम टूर आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया हो। Get set ready. मुंबई के लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें बहुत ही कम सिलेक्टेड कार्ड्स पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है। हम भी 10 से 15 कार्ड लेके गए थे लेकिन उनमें से एक भी कार्ड नहीं चला और हमें अपना पेड फूड ही इंजॉय करना पड़ा। तो इसलिए अगर आप लॉन्च एक्सेस के भरोसे जा रहे हो मुंबई पे तो बिल्कुल ऐसा मत करना। बहुत कम सिलेक्टेड कार्ड्स हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करके जाना कि कौन कौन से कार्ड्स हैं जिस पर आप लॉन्च एक्सेस ले सकते हो। बेबी स्ट्रॉलर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी जो फ्लाइट्स होती हैं उनमें जो कैबिन होता है वो बहुत बड़ा होता है। अगर इंडिगो की बात करूँ तो बहुत छोटा कैबिन होता है। उसके अलावा सारी फ्लाइट्स में आई थिंक बड़े ही कैबिन्स होते हैं। तो आप इजीली अपने बेबी स्ट्रॉलर को अपने अंदर कैबिन में रख सकते हो। दुबई एयरपोर्ट पे अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए खड़े हैं। मेट्रो आने वाली है और पीछे मेट्रो आएगी जिससे हम अपना लगेज कलेक्ट करेंगे। आई थिंक आ गई मेट्रो। हमारे इंडिया में तो ऐसी फैसिलिटी नहीं होती बट यहाँ पे ट्रेन से हम अपना लगेज कलेक्ट करेंगे। ये ट्रेन आ गई पीछे, यहाँ से हमें अपना लगेज मिलेगा। We are in our left और अभी हम जा रहे हैं मेट्रो पकड़ने के लिए। बिल्कुल परेशान नहीं है, सब कुछ एसी में यार। फॉरेन के बाद बात कर रहे।
is interchange station between Dubai Metro Red and Green. Finally, 1 to 2 hours AC में घूमने के बाद एयरपोर्ट टू मेट्रो अब हम बाहर आए हैं. 2 घंटे बाद धूप देख रहे हैं. हाँ, 2 घंटे बाद धूप देख रहे हैं. और ओ माय गॉड, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है यार. मतलब यहाँ की मेट्रो देख के मेरा मन इतना खुश हो गया था. तो मतलब सोचा कि दुबई कितना अच्छा होगा, इतना मस्त. यहाँ की कार स्पेशल जो टैक्सी चलती है, इतनी स्मूथ, इतनी फास्ट चलती है. देखना अच्छा लग रहा, तो बैठने में पता नहीं क्या होगा. सो यू कैन सी, ओ माय गॉड द व्यू. अब हमें लग रहा है थोड़ी धूप लगेगी. टैक्सी बुक कर लिए और अब हम जा रहे हैं अपने होटल. और मतलब यहाँ की समर भी इतनी चुभती नहीं हुई नहीं है. मतलब हमने राजस्थान की और हर जगह की इतनी धूप झेली, तो मुझे यहाँ की धूप तो नॉर्मल लग रही है. फिलहाल तो नॉर्मल लग रही है. फोर ओ क्लॉक और बहुत थक गए थे, तो हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं. और अब लगी है बहुत जोरों की भूख, तो अभी खाना मंगवाया है वो आ जाता है. उसके बाद रेडी होके हम जाएंगे आज कोल्ड सूक और परफ्यूम सूक. तो हमने ये खाना मंगाया रूम में. सो ये पनीर मखानी है, दाल है, राइस है, ये आई थिंक फ्राइड आलू लग रहे हैं मुझे तो. और ये थोड़ा सैलेड दिया है. 2 बॉक्स मंगवाए हमने मील के, बात दी हमको दोनों मील बॉक्स की, एक एक. और ये खाना, ये दोनों. सो गाइज, वी ऑल आर रेडी फॉर कोल्ड सूप. तो अभी हम जा रहे हैं कोल्ड सूप. और अप्रॉक्स हमें रेडी होते होते 5:30 होने को आए हैं. और ये भी रेडी हो चुकी है क्यूटी पाई. हम जाते हैं गोल्ड सूप. और मैंने सुना है कि गोल्ड सूप में भाई साहब मत पूछो, इतना अच्छा अच्छा गोल्ड मिलता है. तो आज हम वो एक्सप्लोर करते हैं. तो हमारा टारगेट है कि आज इवनिंग में हम गोल्ड सुक विजिट कर लेते. तो अभी हम अपने होटल से निकल के गोल्ड सूप के लिए मेट्रो पकड़ने जा रहे हैं. और मेट्रो जो है वो बहुत ही नियरेस्ट है, आई मीन वॉकेबल डिस्टेंस पे. तो हम वॉक करते हुए जा रहे हैं. दुबई में मैंने जितनी एक से पढ़कर एक कार देखी ना, उतनी अपनी मैंने लाइफ में नहीं देखी. वो कौन सी आलिया भट्ट की जो कार है ना, रेंज रोवर, वो तो यहाँ पे एक लाइन में 10-10 कार देखी है. और यहाँ पे ओडी तो ऐसे घूमती है जैसे अपने इंडिया में मारुति कार घूमती है. तो कार में तो मुझे मजे आ. देखो मेट्रो का ना जो लिफ्ट है वो भी ना आउटसाइड एग्जिट है. और लुक एट द वेदर, ओ माय गॉड, मैं यहाँ पे ना पागल होने वाली हूँ. मुझे भी दुबई में रहना है यार, सच में दुबई में रहना है. बहुत सुंदर है यार ये कंट्री, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है. जितना कम बोलो उतना कम.
ये एग्जिट लेफ्ट है मेट्रो की, अब यहाँ से गोल्डसुक मार्केट स्टार्ट होता है, परफ्यूम सुक और आई थिंक गोल्डसुक, तो अभी जाके एक्सप्लोर करेंगे क्या होता है यहाँ पे। सो अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ओल्ड गोल्डसुक है और राइट साइड में जाएंगे तो न्यू गोल्डसुक। यहाँ पे मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगी कि अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी गोल्ड परचेज है तो मैं आपको बोलूंगी कि आप फर्स्ट डे ही गोल्ड परचेज कर लें, बिकॉज दुबई में इतना कुछ देखने को और इतना कुछ शॉपिंग करने को है कि बाद में आपके पास अमाउंट नहीं बचेगा गोल्ड परचेज करने के लिए। ये है गेट नंबर 3 जहाँ से हम गोल्ड सुक के अंदर एंटर होंगे। एक्चुअली बोलते हैं कि पुराना गोल्ड सुक है, दुबई टू गोल्ड सुक, तो ये हम एक्सप्लोर करेंगे। और ज़्यादातर मैंने यूट्यूब वीडियोस के अंदर भी यही गोल्ड सुक देखा था। और यहाँ पे ना मैंने बहुत सारी शॉप्स के बाहर रमज़ान का डिस्काउंट भी देखा जहाँ पे 0% मेकिंग चार्ज है, तो वी आर लकी कि हम ड्यूरिंग रमज़ान आए हैं ताकि हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल सके। हम गेट नंबर 3 से एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे आपको सारी गोल्ड शॉप्स दिखेगी। और ना यहाँ पे ना इस तरीके से फ़ैन लगे हुए हैं जिससे आपको हवा आती रहेगी। यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस। टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी कि यहाँ के जो मेकिंग चार्जेस हैं वो आपको बहुत हायर लगेंगे, बिकॉज अगर आप सिंगापुर डिज़ाइन या दुबई डिज़ाइन का कोई भी गोल्ड परचेज करते हो तो उनके मेकिंग चार्जेस इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि आपको इंडिया से भी ज़्यादा गोल्ड महंगा यहाँ पर लगेगा। तो मेक श्योर कि आप कुछ शॉप्स एक्सप्लोर करके जाएँ जहाँ पर आपको 0% मेकिंग चार्जेस हो, या फिर आप अबाउ एवरेज डिज़ाइन परचेज करें जिससे आपके मेकिंग चार्जेस बहुत ही मिनिमम हो। इसके अलावा आप 24 कैरेट का गोल्ड लेके जा सकते हो और उसे इंडिया में 22 कैरेट में कन्वर्ट करवा सकते हो। ये कुछ टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूँगी। और इसके अलावा मैं बात करूँ कि यहाँ पे डेट्स अगर आप गोल्ड सुक मार्केट से परचेज करते हो तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर किसी शॉप से लिए थे जहाँ पे मैंने 1 kg 45 दिरहम में लिए थे, जो कि मुझे बाद में आगे जाके 20 दिरहम में 1 kg डेट्स मिल गए थे, तो थोड़ा लूटने के चांसेस है। एक दो शॉप का कंपैरिजन करके एक्सप्लोर करके फिर ही आप यहाँ पे डेट्स और जो भी स्पाइसेस हैं वो परचेस करें, आप बार्गेनिंग भी करवा सकते हो यहाँ। अगर आप 0% मेकिंग चार्ज वाली ज्वेलरी परचेस करते हो तो आपको यहाँ पे इंडिया और दुबई के कंपैरिजन में बहुत ही ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट आप बहुत ही यूनिक डिज़ाइन परचेस करते हो जो कि इंडिया में नहीं अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे बहुत सारा मेकिंग चार्ज भी देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर कि थोड़ा एक्सप्लोर करें। और जो ये शॉप है अनवर करके, वो 0% ऑल आइटम पे 0% मेकिंग चार्ज होते हैं, तो आप इस टाइप की कोई शॉप सर्च करके यहाँ से 22 कैरेट ले सकते हो। और बहुत सारी शॉप्स होती हैं जहाँ पे 24 कैरेट गोल्ड भी मिलता है, वो आप लेके इंडिया जाकर उसको 22 कैरेट गोल्ड में भी बनवा सकते हो। तो यहाँ से मैंने अपनी फर्स्ट शॉपिंग करी थी और एक दूसरी शॉप से मैंने अपनी सेकेंड ज्वेलरी परचेज करी थी, वो हमने किसी के लिए परचेज करी थी जिन्होंने हमसे मंगवाई थी। ये आपने इंस्टाग्राम पे देखे होंगे एक अंकल को, यूसुफ भाई करके, बहुत फेमस है, जो यहाँ पे फेमस परफ्यूम बना के देते हैं, परफ्यूम मेकर है, उनका शॉप दिखाती हूँ मैं आपको। ये है यूसुफ भाई। कुछ बहुत ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको डेट्स और चॉकलेट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाएंगे। परफ्यूम सूक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गोल्ड सूक के पैरेलल में ही परफ्यूम सूक है, बट यहाँ पे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। सेम ब्रांड की सेम पैकेजिंग के ऑयल बेस्ड और एल्कोहल बेस्ड परफ्यूम मिलते हैं, तो यू कांट आइडेंटिफाई कि कौन सा फेक और कौन सा असली है। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करके और जो ऑथेंटिक शॉप्स हैं वहीं से ही आप परफ्यूम परचेज करें, अदरवाइज आपको फेक परफ्यूम के भी बहुत सारे चार्जेस देने पड़ सकते हैं और बाद में उनकी जो लॉन्ग लास्टिंग है वो 1 hour or 2 hours भी उनकी फ्रेग्रेंस नहीं रहती है। तो थोड़ा सोच समझ के आप परफ्यूम परचेज करें परफ्यूम सूक से। आज बहुत जम के शॉपिंग कर ली है, गोल्ड से लगाकर परफ्यूम से लगाकर और डेट्स वगैरह सब जम के शॉपिंग कर ली है। और अब हमने एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट देखा है, तो जैसे ही हमारा खाना फिनिश होएगा फिर यहाँ से हम होटल जाएंगे और फिर सो जाएंगे, बहुत थके। ऑलरेडी कितना टाइम हो चुका है, इट्स 10:30 10:45 11 तो बज चुके, खाना खाएंगे तब तक 12 बज जाएंगे, तो फिर घर जाके सोएंगे फिर, क्योंकि कल हमारा सारा घूमने का टाइम है।
तो गाइज आई एम एंडिंग माई ब्लॉग हियर ओनली, क्योंकि अभी बहुत थक गए हैं और अभी हमने खाना फिनिश किया है और अब घर जाके फ्रेश अप होके सोने का मन है. सो मिलती हूँ अपने कल वीडियो में. थैंक यू, बाय, लव यू ऑल.